नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। रविवार को करें शराब पकोड़े का यह उपाय, भैरव बाबा देंगे मन चाह आशीर्वाद। यूं तो भैरव बाबा को मनाना बहुत आसान है, और अगर वो मान जाएं तो बड़े से बड़े दुर्भाग्य को भी बदलने में देर नहीं लगती है। अगर किसी व्यक्ति को शनि राहु या केतु की दशा या महादशा के चलते कोई कष्ट हो रहा है तो भैरव बाबा की कृपा से तुरंत ही दूर हो जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही आसान से उपाय जिनके द्वारा भैरवनाथ को प्रसन्न कर मन चाह वरदान पा सकते हैं। रविवार, बुधवार तथा गुरुवार को भैरव बाबा का दिन माना जाता है। उनके उपाय भी इन्हीं तीन दिनों में किए जाते हैं। पहला उपाय, बुधवार के दिन 1.25 किलो जलेबी भैरवनाथ को चढ़ाकर कुत्तों को खिला दें। इससे कुंडली के समस्त बुरे ग्रहों का असर टल जाता है और बड़ी से बड़ी विपदा भी हल्की होकर निकल जाती है। दूसरा उपाय, किसी भी नजदीकी रेलवे स्टेशन पर जाकर किसी भी कोढ़ी, भिखारी अथवा शराबी को शराब की बोतल दान करें। इस उपाय से आपका कितना भी कठिन काम हो तुरंत पूरा होगा। 5 गुरुवार को भैरव जी को 5 नींबू चढ़ाएं, आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। चौथा उपाय, गुरुवार के दिन 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द, 11.5 रुपए, 125 मीटर काले कपड़े में पोटली बनाकर भैरव जी के मंदिर में चढ़ा दें और अपनी मनोकामना कह दें। तुरंत ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। पांचवा उपाय, अपने शहर या गांव में कोई भी भैरव बाबा का मंदिर ढूंढें जहां उनकी नियमित पूजा न होती हो या लोगों ने उन्हें पूजना छोड़ दिया हो। उस मंदिर में रविवार की सुबह जल्दी ही सिंदूर, तेल, नारियल, पुए और जलेबी लेकर पहुंच जाएं। वहां उनका प्रसन्नचित हो उनका पूजन करें। पूजा के बाद लड़कों को चने, चिरौंजी तथा 7 लायक जलेबी, नारियल, पोए तथा प्रसाद बांट दें। ज्योतिषों की मान्यता है कि ऐसा करने से बड़ा ग्रह भी अपना स्वभाव छोड़कर आज्ञा देने वाला बन जाता है। छठा उपाय, रविवार या शुक्रवार को अपने नजदीकी किसी भी भैरव मंदिर में जाएं तथा गुलाब, चंदन और गूगल की खुशबूदार अगरबत्तियां जलाएं। सातवां, शनिवार के दिन उड़द के पकोड़े सरसों के तेल में बना लें तथा पूरी रात उन्हें ढककर रख दें। अगले दिन यानी रविवार को सुबह जल्दी उठकर बिना किसी से बोले सूर्योदय के समय पकोड़े लेकर घर से निकल जाएं और रास्ते में जो भी कुत्ता सबसे पहले दिखाई दे उसे खिला दें। ध्यान रखें कि पकोड़े कुत्ते को डालने के बाद वापस मुड़कर ना देखें और सीधे घर चले आएं। इस दौरान आप किसी से कोई बात न करें और न ही किसी बात का जवाब दें। आपका काम हर हाल में पूरा होगा। आठवां उपाय, बुधवार, गुरुवार या रविवार के दिन 1 रोटी लेकर उस पर अपनी तर्जनी यानी हाथ की पहली और मध्यमा यानी हाथ की दूसरी उंगली तेल में डुबोकर रोटी के ऊपर लाइनें खींच लें। इस रोटी को किसी भी 2 रंगित कुत्ते को खाने के लिए दे दीजिए। यदि कुत्ता रोटी को खा लेता है तो आप समझिए कि आपको साक्षात भैरव बाबा का आशीर्वाद मिल गया। परंतु यदि कुत्ता रोटी को सूंघकर आगे बढ़ जाए तो आप इस उपाय को 2 या 3 बार से अधिक न करें। ध्यान रखें कि यह उपाय बुधवार, गुरुवार या रविवार को ही करना है, अन्य दिन नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।